हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ कवर करने वाला हूं, तो ये न्यूज़ आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कल देखा ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देश को संबोधित किया था, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था 17 मई के बाद से लॉकडाउन 4.0 भी लागू हो सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा राहतों के साथ। हमें काफ़ी ज़्यादा बदले हुए नियम भी देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन इसी के साथ मोदी जी ने ये भी ऐलान किया था कि भारत सरकार अपने देशवासियों के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का भी इंतजाम किया है। बता दूं आप लोगों को, 20 लाख करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। ये लगभग भारत की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 10% हिस्सा है, के लिए भारत सरकार की प्रशंसा भी होनी चाहिए। तो उसी 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज को समझाने के लिए आज भारत की वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव आने वाली थी और समझाने वाली थी पूरे देश को कि 20 लाख करोड़ का ये राहत पैकेज किस किस जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि देशवासियों को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा हो सके। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ वित्त मंत्री मिसेज निर्मला सीतारमण ने क्या कहा इस राहत पैकेज को लेकर। उन्होंने कहा, पैकेज का ऐलान आत्मनिर्भर भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। के 5 स्तंभ होंगे, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड है। दोस्तों, उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह कतई नहीं है कि हम प्रत्येकतावादी सोच रखते हैं, हमारा फोकस लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाना है। दोस्तों, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वित्त मंत्री ने भी इस चीज पर दबाव डाला है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही खरीदें, कि आने वाले समय में ये भारत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो भारत दूसरे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा पीछे रह जाएगा। दोस्तों, वित्त मंत्री ने इस खबर में ये भी बताया है कि पीएफ और ईपीएफ में भी राहत मिलेगी इस 20 लाख करोड़ के पैकेज की वजह से। बता दूं दोस्तों, कंपनियां पीएफ में हिस्सेदारी 12% की जगह 10% तक कर सकेंगी। पॉइंट नंबर 1, सभी फर्म और कंपनियां जहां 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और उनकी सैलरी 15,000 से कम है, तो उनके लिए पीएफ का पैसा सरकार देगी। ऐसे कर्मचारियों की सैलरी का 24% हिस्सा सरकार उनके पीएफ में जमा करेगी। पॉइंट नंबर 2, अब कंपनियां कर्मचारियों के पीएफ में अपना हिस्सा 12% की जगह 10% तक कर सकेगी। पॉइंट नंबर 3, सरकार ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया, अगस्त तक सरकार मदद करेगी ईपीएफ के कंट्रीब्यूशन में। पॉइंट नंबर 4, सरकार 70.22 कर्मचारियों की मदद के लिए 2,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी भारत सरकार। तो ये 4 पॉइंट है जिससे कि किसी कर्मचारी जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसे काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है इस पैकेज से। तो ध्यान से सरकार की इस योजना का फायदा उठाइएगा। दोस्तों, बता दूं आप लोगों को, इस 20 लाख करोड़ के पैकेज से प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को भी राहत मिली है काफ़ी। जानते हैं क्या राहत है वो। नंबर 1, सभी सरकारी एजेंसी जैसे कि रेलवे, रोडवेज कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीने का एक्सटेंशन देगी। इन 6 महीनों के दौरान कॉन्ट्रैक्टर को बिना किसी शर्त के राहत दी जाएगी। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्टर जो आंशिक सिक्योरिटीज देते हैं उसे वापस किया जाएगा। नंबर 3, मान लीजिए 70% किसी ने काम किया है तो उसकी वापस बाकी 30% गारंटी उसे वापस की जा सकती है। जितना काम होगा उस आधार पर यह गारंटी रिलीज की जा सकती है। आज की खबर में दोस्तों इतना ही, और देश और दुनिया से जुड़ी हुई सारी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा 4th Empire से। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद। मिलता हूँ आपसे अगली खबर में।